देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने जिले के अंदर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये 1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से, छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहां कुछ नहीं मिला, वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है, तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज सड़कों के ऊपर कई 100 ऐसे मजदूर हैं जो औरंगाबाद से खुद पैदल निकले हैं, 1400, 1600, 1700 किलोमीटर का सफर वो पैदल करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो साइकिलों के ऊपर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। क्या सरकार ये अच्छी तरह से नहीं जानती है, जिस तरह से प्लानिंग की गई है कि हम 7 मई से 16 मई के दौरान इतने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और यहां से पूरे जितने भी हमारे पैसेंजर्स दूसरे मुल्कों के अंदर है उन सबको यहां पर लेकर आएंगे? क्या इस तरह की प्लानिंग रेलवे डिपार्टमेंट की से की गई थी कि हम महाराष्ट्र में इतने हजारों नहीं है, लाखों ऐसे मजदूर हैं जो यहां पर रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो अपने घर अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो हम यकीनन कहेंगे कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है, ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वरना क्या वजह है कि हम लोग चिल्लाते रहे, बार बार हम लोग ये कहते रहे सरकार से कि इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। मैंने खुद ने कल के दिन जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसके अंदर ये गुहार लगाया और ये कहा कि साहब मेरे पास कम से कम 2500 ऐसे मजदूर आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवा के जिला प्रशासन को दिया है कि इनके लिए रेलवे का इंतजाम किया जाए, वरना ये लोग भी पैदल निकल जाएगी करके। आखिर में वही हुआ जिसका हम सबको डर था और ये बहुत अफसोस की बात है। रेलवे डिपार्टमेंट तो कहेगा अब हम इंक्वायरी करेंगे, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वहां के मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं।